अरूज की कई बातों से मुझे इख्तलाफ तो है, मगर हकीकत यही है कि वो हरगिज चालाक नहीं है। तुम्हारी भूल है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें इतनी रियायत भी दे देती हूँ, जब तुमने उस अरूज को पसंद किया था, शादी के लिए चुना था अपने लिए, तब वो तुम्हारी अरूज सादा थी, मगर अब जब से वो लड़का माद यहां आया है ऑफिस में, तब से अरूज बदल गई है। और ये बात इदरीस भाई ने भी नोट की है। अजीब बात है, यही बात मुझसे तायाबू ने भी की है, सेम टू सेम। चलो मैं ये भी मान लेती हूं कि मैं सास हूं, अरूज को पसंद नहीं करती हूं, उसके बारे में बुरी राय दे सकती हूं, मगर क्या इदरीस भाई भी झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त कह रही। इसे माद का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उस अमाद ने हमारे घर में दरारें डाल दी हैं। मैं जानती हूं तुम यही सोच रहे हो ना कि अरूज नहीं मानेगी। इसका एक आसान हल है, तुम ऐसा करो कि यहां घर वाला ऑफिस खत्म कर दो। इस तरह अमाद भी फारिग हो जाएगा और तुम्हारी अरूज पहले जैसी हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा सलमान, ये कोल्ड वॉर आखिर कब तक चलेगी? बात नहीं करोगे, जवाब नहीं दोगे, तो मसले का हल कैसे निकलेगा? मसले का हल हमारी बात करने से सॉल्व नहीं होगा। तो बात तो करो, मिलके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इमाद को नौकरी से कब निकाल रही हो? आई थिंक हम इस मौजू पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हाँ, लेकिन बात नामुकम्मल थी क्योंकि मैं इनकार कर चुकी थी। तुमने इनकार किया था इसलिए नामुकम्मल थी। मुकम्मल तब होगी जब तुम इमाद को इस ऑफिस से निकाल दोगी। ठीक है, तुम खुद निकाल दो ना उसे। देखो, मैं तुम्हें इस कंपनी में इज्जत दे रहा हूं, तुम्ही ने इमाद को अपॉइंट किया था ना, तो अब निकालोगे भी तुम। सलमान, मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि मैं उसे नौकरी से क्यों नहीं निकालना चाहती। मैं ये नहीं सुनना चाहता। ठीक है, मत सुनो। आज तुमने दो चेक साइन किए थे ना? पता है तुम्हें कि वो पैसे कहां गए? इस कंपनी का मालिक हूं मैं, चाहूं तो पैसों को आग लगा दूं, तुम्हें इससे क्या? क्योंकि तुम्हारा नुकसान मैं नहीं देख सकती, बीवी हूं तुम्हारी। देखो, एक टाइम पर एक सीट पर बैठो, या तो बीवी बनो या तो फिर डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस।
और अगर तुम चाहती हो ना कि तुम डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस बनी रहो और ये जो ऑफिस है इस घर में चलता रहे, तो इमाद को फायर करो। And that's my final decision. बोलो शांजे। यार उरूज, मुझे ये बताओ कि सलमान भाई की गलत फहमी दूर हो गई? क्या? Are you kidding me? ये कोई टाइम है ये सवाल पूछने का? उरूज, मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा, तुम चलती हुई जा रही थी और जाके सीधा कीचड़ में गिर गई, और उस कीचड़ में बहुत सारे मेंढक थे। प्लीज ये मजाक करना ना बंद करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ इसका। मजाक? ठीक है, मेंढक वाली बात ज्यादा हो गई, लेकिन तुम्हें मेरे ख्वाब में मजाक लगने लग गए ना। ख्वाब मजाक ही तो होते हैं। दिखने में सच और ताबीर में झूठ। Are you serious? सलमान ने अमाद को ऑफिस से निकालने की शर्त रख दी है। और अगर ऐसा नहीं किया तो? वरना सलमान ऑफिस बंद कर देगा। अगर वो ये नहीं जानता कि मैं क्या करने वाली हूं, अगर इस मौके पर ऑफिस छोड़ दिया, तो कभी भी उस शख्स को बेनकाब नहीं कर पाऊंगी जो सलमान को नुकसान पहुंचा रहे। अच्छा, अगर ऐसा है तो वो शख्स है कौन? ताया जानी।